हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डी टू एम चैनल पे। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एससीएम का फाइनल कट ऑफ क्या आने वाला है। टीयर वन का आपका जो कट ऑफ है यहाँ पे दिखा है, 71 आपका कट ऑफ गया है यहाँ पे नॉमिनेशन के साथ। तो कहना कि हमारी जो प्रेडिक्शन थे 66 जो है हमारा रॉय स्कोर के साथ, कहना कि यहाँ पे सही देखने को मिला है। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है और किस बेस पर आपको चीजें हैं तो उसको थोड़ा समझते हैं। तो देख लीजिए, आपका सब रिटर्न एग्जाम हो गया 100 मार्क्स का, तो आपके इसमें 71 का यहाँ पे कट ऑफ गया है यूआर का। फिजिकली बात की, फिजिकल आपका क्वालिफाइंग नेचर का, इसको आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। 1600 मीटर की रेस होने वाली है आपकी, उसके बाद आपका लॉन्ग जंप वगैरह रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग वगैरह है, टाइपिंग आपको ही करना है। ये मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है, 25 मार्क्स आप कैसे लाएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, जिसमें एमएस वर्ड एमएस एक्सेल वगैरह आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ क्या रह सकता है चलिए जानते हैं। या फ्रेंड थोड़ा सा हम कट ऑफ को देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका यूआर का गया है 71 आपका नॉमिनेशन के साथ गया है, ओबीसी 66 गया है, ओबीसी ईडब्ल्यू का दोनों बराबर यहाँ पे देखने को मिला है। फीमेल की बात है, फीमेल में 60 गया है, ओबीसी में 53, ईडब्ल्यू में 51, यहाँ पे एक दो नंबर का यहाँ पे गैप देखने को मिला ओबीसी ईडब्ल्यू में, जबकि मेल में यहाँ पे दोनों का बराबर यहाँ पे देखने को मिला है। टोटल कैंडिडेट की बात को 10,397 कैंडिडेट मेल में यहाँ पे पास हुए हैं, यहाँ पे फीमेल बात हो 5,556 फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं फिजिकल के लिए। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 71 नंबर से अधिक जो है 4,358 कैंडिडेट ला चुके हैं, मेल की बात है, ये मेल का है, ठीक है। फीमेल में बात करें 60 नंबर से अधिक लाने वाले 2,378 ही फीमेल कैंडिडेट में। इसका मतलब आगे माने कि अगर 10,000 में से 4,358 71 नंबर को क्रॉस कर रहे हैं और 5,556 में से 2,378 बंदे जो है 60 नंबर के क्रॉस कर रहे हैं, जो यूआर कैटेगरी को यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। अब इसमें से कितने बच्चे फिजिकल बाहर हो सकते हैं, टाइपिंग में क्या रणनीति, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आपके जो मार्क्स है वो 10 जनवरी को अपलोड हो जाएंगे विद नॉमिनेशन के साथ आपके आ जाएंगे, कंप्लीट देख लीजिएगा। ओबीसी कैटेगरी बात करो तो ओबीसी कैटेगरी में 71 प्लस 2,084 कैंडिडेट है, कितने 71 पे 2,084 कैंडिडेट है, जिसमें अगर बात करें 66 से 71 के भी 2,400 कैंडिडेट, और टोटल ओबीसी की बात करें 44,484, मतलब 2,084 और 2,400 इनको जोड़ेंगे 4,484 आपका टोटल ओबीसी में आपका बैठ रहा है। ईडब्ल्यूसी की बात करें, ईडब्ल्यूसी में 66 से 71 के बीच जो है 1,004 स्टूडेंट यहां पे ला रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, और 71 प्लस जो है 1,027 स्टूडेंट जो यूआर कटो को फिलअप कर रहे हैं ईडब्ल्यूस वाले, टोटल मिला के बाद 2,000 स्टूडेंट। अगर आप इसमें देखेंगे जो ओबीसी में 71 प्लस 2,084 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 71 प्लस 1,027, इसका मतलब ईडब्ल्यूस में थोड़े कम बच्चे हैं, ओबीसी में ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा उसको हम थोड़ा जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे टाइपिंग के बारे में। जी हाँ, टाइपिंग में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जरा इसको हम जानते हैं। तो इसमें मैंने पूरा एनालिसिस बना रखा है, ये देख लीजिए। आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, 400 वर्ड की आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाली है, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक टाइपिंग आपको करना है। ये आपने जो प्रेफर भरा था आपने किसमें आपको करना, उसमें आपने सिलेक्ट किया होगा। जो अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करें तो आपकी 30 स्पीड होनी चाहिए 10 मिनट के अंदर, अगर आप हिंदी में टाइपिंग करें तो 25 की स्पीड होनी चाहिए 10 मिनट के अंदर, ठीक है। अगर आप मान लीजिए इसमें 25 में से अगर मान चलो आपने 24 की स्पीड लेकर आए, तो आप टाइपिंग में बाहर हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे पूरी तरह से, ठीक है, कोई मतलब नहीं रहेगा। और इंग्लिश में आप देख लीजिए, अगर आपकी स्पीड अगर यहाँ पे 30 की स्पीड, तो आपको 10 मार्क्स मिलने वाले, अगर आपकी स्पीड 35 की स्पीड रहेगी तो 12 मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना है, स्पीड होने से नहीं, इसमें आपका एक्यूरेसी भी मैटर करेगा, एक्यूरेसी कितना है। 40 की स्पीड अगर है तो आपका 15 मिलेंगे, अगर आप 51 प्लस की स्पीड में है तब जाकर आपको 25 मिलेंगे। अगर मैं बात करूं अधिक से अधिक जो बंदे हैं ना, वो यहाँ पे 12 से लेकर 15 के बीच ही फाइट जुड़ती रहेगी। जी हाँ, 12 से 15 के बीच, अगर सपोज डेट किसी के 12 नंबर भी आ रहे हैं, उसका फिजिकल का यूआर सॉरी उसका जो कट ऑफ गया यूआर का 71, ठीक है। अब मान के चलिए जिसके 71 नंबर आ रहे हैं, जिसके मान चलो 72-75 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो बच्चा फिजिकल भी दे लेगा सही ढंग से, तो आधे ज्यादा जो कर्फ्यू होगा, आधे ज्यादा ट्रैफिक जो होगा वो फिजिकल में ही बाहर हो जाएगा। जी हाँ, फिजिकल बाहर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे टाइपिंग लगने वाला है। तो मैं अगर टाइपिंग का डेट बताऊं क्या क्या रहने वाला, देखो आपका फिजिकल की डेट जो है फरवरी 2023 में आपका एक्सपेक्टेड है। टाइपिंग टेस्ट की बात करो, टाइपिंग टेस्ट आपका अप्रैल मई में संभावित है। कंप्यूटर टेस्ट की बात, कंप्यूटर टेस्ट आपका अगस्त 2023 में है। फाइनल रिजल्ट जो है आपका सितंबर अक्टूबर में आपका तय है, इस हिसाब से तय है आपका। अगर मैं यहाँ पे चीजों बात करूं, अगर बच्चे के अगर मान लो 12 से 15 नंबर के बीच यहाँ फाइट रह सकती है, अगर किसी के 12 नंबर भी अगर टाइपिंग में आ रहे हैं कुर्सी के साथ, तो उसका जो फाइनल कट ऑफ है मेरे हिसाब से, अगर बच्चे फिजिकल बाहर हो जाते, काफी ज्यादा बच्चे हैं, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहेगा फाइनल कट ऑफ यूआर का 85 रहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के जनरल में अभी 71 है, ठीक है, और 71 में से मान के चलिए जरूर तो है नहीं कि सारे बच्चे ही फिजिकल पास कर लेंगे यहाँ पे,
तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए 15, अगर 12 नंबर भी अगर आप जोड़ते हो तो 71 और 12 ये मान के चलिए आपके 83-82 नंबर आपके यहाँ पे हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो कट ऑफ है ना वो 85 के अराउंड ही रह सकता है। जी हाँ, 85 के अराउंड ही आपका रह सकता है। इसमें आपको +3 आपको करना है, +3 ±3 आपको यहाँ पे करना है। मैं पहले बोल रहा हूँ +3 ±3 आपको करना पड़ेगा। ओबीसी का ओबीसी 83 रहेगा, ईडब्ल्यू 83 रहेगा, एससी 70 रहेगा। ये एक रफ आइडिया है कि आपका कट ऑफ इतना रह सकता है। इसमें मैंने बोला -3 +3 आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग, क्योंकि देखना ही रहेगा कि फिजिकल में कितने बच्चे पास आउट होते हैं, ठीक है, उसमें कितना कंपटीशन आपको देखने को मिला। जो बच्चे फिजिकल पास करेंगे वो बच्चे टाइपिंग देने जाएंगे। अब टाइपिंग पास करने के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है। अब कंप्यूटर टेस्ट में क्या होगा कि फ्रेंड्स आपका आपका यहाँ एमएस वर्ड एमएस एक्सेल की प्रैक्टिस होगी यहाँ पे, तो वो भी आपको क्वालिफाई करना है, तो तभी जाके आपकी जो फाइनल मेरिट यहाँ पे बन सकती है। तो कहीं ना कहीं इतनी नहीं जाएगी। अगर माने कि रफ आइडिया है कि अगर आपको आपको टाइपिंग टेस्ट में 12 से लेकर 15 नंबर का आपको ध्यान रखना है और फिजिकल आपको कंप्लीट करना है, तो इसलिए आपसे तो आप निकल जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि टाइपिंग अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, इसके लिए प्रैक्टिस आपने नहीं की, तो कहने के मान सकते हैं आप यहाँ पे बाहर हो सकते हैं दिल्ली पुलिस की रेस में। तो आपको तैयार करना है, 12 से 15 नंबर आप लिया है, इससे ज्यादा भी अगर लाते तो काफी अच्छी बात है, कट ऑफ में आप सुरक्षित महसूस करेंगे। जिसके 85 आ रहे हैं मेरिट लिस्ट में तो कहने को बेटर पोजीशन में महसूस करने वाला है।